नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स सीरीज के मंथली रिवीजन में। आज हम 1 से 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमियों के लिए शी हब निम्न में से कहां शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रायपुर में शुरू हुआ है। रायपुर में महिला उद्यमियों के लिए शी हब शुरू हुआ है, जहां महिलाओं को हुनर सीखने को मिलेगा और वित्तीय सहायता भी मिलेगी। जिला प्रशासन ने मैत्री स्कूल के साथ मिलकर कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 1 फार्मूला के आधार पर महिला उद्यमियों के लिए गतिवर्धक कार्यक्रम संचालित हो रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य महिला उद्यमियों हेतु एक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्मित करना है। अगला प्रश्न है, सीईए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परफॉर्मेंस में किस राज्य की पावर जनरेशन कंपनी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन कंपनी ने विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 के 17,703 मिलियन यूनिट की तुलना में इस वर्ष 2023-24 में 21,068 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा है। इसके पूर्व जनरेशन कंपनी का अपना ही कीर्तिमान वर्ष 2018 में 21,270 मिलियन यूनिट का था। सीईए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परफॉर्मेंस में छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ का पीएलएफ सर्वाधिक 84.45% रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितनी प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 195 प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 195 प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। इन पक्षियों के उपस्थिति की निरंतर पुष्टि और नए पक्षियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से भोरमदेव सेंचुरी में बर्ड सर्वे कराया जा रहा है। 4 व 6 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पक्षियों के फोटोग्राफ्स एकत्र किए जाएंगे। भोरमदेव अभयारण्य एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व के बीच मौजूद है। भोरमदेव अभयारण्य के अंतर्गत बर्ड सर्वे का आयोजन 4 जून से 6 जून 2024 के मध्य किया जाएगा और यह आयोजन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय A++ या A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का विश्वविद्यालय बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, पहले क्रम का विश्वविद्यालय बना है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को NAC ने A++ ग्रेड प्रदान करते हुए 5 साल तक के लिए इसे बरकरार रखा है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा केंद्रीय संस्थान बना है जिसे A++ की रैंकिंग प्राप्त हुई है। NAC की 6 सदस्यीय टीम ने 15 से 17 अप्रैल के बीच JGU का निरीक्षण करने के बाद यह रैंकिंग जारी की है। JGU मतलब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात निम्न में से कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1015 है। छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता है। छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात 1015 है, यानी प्रति 1000 पुरुष में 1015 महिला मतदाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक महिला मतदाता रायपुर लोकसभा क्षेत्र में है, जबकि छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात सबसे अधिक बस्तर लोकसभा क्षेत्र का है। यहाँ कुल 1000 पुरुष मतदाता में 1086 महिला मतदाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होंगे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक महिला मतदाता कहाँ है? तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में है। और छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? तो वो है बस्तर में, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 24,229 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,320 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पूरी तरह महिला मतदान कर्मी ही मतदान संपन्न कराएंगे। दल के सभी 4 सदस्य महिला होंगी। इसी प्रकार 90 दिव्यांग, 387 युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां सिर्फ युवा मतदान कर्मी ही कार्य करेंगे। इसी प्रकार प्रदेश में 450 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रदेश में सबसे अधिक मतदाता लिंगानुपात है। बस्तर में 14,72,207 मतदाताओं में से 7,71,679 महिला मतदाता है, जो कुल मतदाताओं का 52% है।
ध्यान रखिए दोस्तों, बस्तर में कुल 1961 मतदान केंद्रों में से 191 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं 36 युवा और 8 दिव्यांग मतदान केंद्र निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर कितने हजार से अधिक हो चुकी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 24,000 से अधिक हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर मतदान केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र रायपुर लोकसभा सीट में बनाया गया है। वर्ष 1998 में छत्तीसगढ़ में 15,110 मतदान केंद्र थे तथा वर्ष 2024 में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 24,000 से अधिक हो चुकी है, मतलब 24,229 मतदान केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित स्वीप एक्सप्रेस निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मतदाता जागरूकता से संबंधित है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले ने मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने हेतु रायपुर जिले में बाइक रैली एवं स्वीप एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 की तुलना में अब तक औसतन कितने प्रतिशत अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 से 3% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 की तुलना में अब तक औसतन 2 से 3% अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण में रिकॉर्ड 68.29% मतदान ने नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में बंदूक तंत्र पर लोकतंत्र की जीत का संदेश प्रसारित कर दिया था। वर्ष 2019 में बस्तर में 63.13% मतदान हुआ था, जबकि वर्ष 1991 में सबसे कम 27.21% मतदान दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग कर आम नागरिक मतदान प्रतिशत की जानकारी देख सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वोटर टर्नआउट ऐप के द्वारा देख सकते हैं। वोटर टर्नआउट मोबाइल ऐप का उपयोग कर आम नागरिक मतदान प्रतिशत की जानकारी देख सकते हैं तथा मतदान प्रतिशत की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले गए? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 68.29% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 68.29% मतदाताओं ने वोट डाले। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में 66.4% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर 19 अप्रैल को लगभग 63% मतदान दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के कितने लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3 लोकसभा क्षेत्रों पर वोट डाले गए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा क्षेत्रों राजनांदगांव, महासमुंद व कांकेर में 26 अप्रैल 2024 को वोट डाले गए। इन तीनों सीटों को मिलाकर लगभग 52.84 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन तीनों सीट के लिए हुए मतदान में कुल 75.16% मतदान हुआ है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसार कांकेर में 76.16%, महासमुंद में 73.83% और राजनांदगांव में 76.16% मतदाताओं ने मतदान किया है। अगला प्रश्न है, तेमाम गांव जहां आजादी के बाद पहली बार लोगों के द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया, यह किस जिला में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बस्तर जिला में स्थित है। तेमाम गांव बस्तर जिला में स्थित है जहां आजादी के बाद पहली बार लोगों के द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया। पिछले 18 महीनों में तेमाम गांव के लोगों के पास मोबाइल फोन के कनेक्शन, नेशनल ग्रिड से बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी राशन की दुकान की सुविधा मिल रही है। 2022 में यहां सुरक्षा कैंप बनाया गया था। 2019 से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 250 सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के सर्वाधिक जर्म प्लाज्मा के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी धान की फसल के लिए दिया गया है। धान के सर्वाधिक जर्म प्लाज्मा संरक्षण और संग्रहण में बेहतर कार्य के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया। धान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को विशेष अवार्ड से नवाजा गया है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय धान कार्यशाला में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल और पौध प्रजनन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक शर्मा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है।
कृषि विश्वविद्यालय में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धान की किस्मों का संग्रहण मौजूद है। यहां 2350 किस्में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलंगा को मानी जाती है। कलंगा को छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा मानी जाती है। यह उड़ीसा प्रदेश के पश्चिमी भाग एवं छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमा प्रदेशों में बोली जाती है। कलंगा भाषिक रूप से व्यवहार क्षेत्र में उड़िया से में ही स्थित है। यह भाषिक रूप भी उड़िया लिपि में ही लिखी जाती है। कलंगा के व्याकरणिक रूपों के आधार पर सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम पियर्सन ने इसे छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर इस वर्ष के योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, डॉक्टर मनोज पाणिग्रही का चयन किया गया है। नागपुर की अखिल भारतीय संस्था विश्व आरोग्य सेना द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करने के लिए संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को अखिल भारतीय स्तर पर सम्मानित करती है। इस वर्ष के योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए बस्तर क्षेत्र के डॉक्टर मनोज पाणिग्रही का चयन अखिल भारतीय स्तर पर इस अवार्ड के लिए किया गया है। यह पुरस्कार डॉक्टर मनोज पाणिग्रही को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आदिवासी अंचलों पर योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के लिए विशेष रूप से दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वैद्यराज हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, नारायणपुर जिले से संबंधित है। 23 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला स्थित छोटे डोंगर के प्रख्यात वैद्यराज हेमचंद मांझी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह प्रारंभिक औषधीय चिकित्सक है। वह 5 दशकों से अधिक समय से ग्रामीणों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र से जरूरतमंदों की सेवा करना शुरू कर दिया था। वह अबूझमाड़ के सुदूर जंगलों में जड़ी बूटियों के विशेष ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वैद्यराज हेमचंद मांझी को यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र के लिए दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेट को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है तथा जशपुर जिले के जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चित शशांक सिंह किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, क्रिकेट के खेल से संबंधित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चित शशांक सिंह क्रिकेट के खेल से संबंधित है। शशांक सिंह छत्तीसगढ़ के भिलाई के निवासी हैं। शशांक सिंह वर्तमान में आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा है। शशांक सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 61 रन के साथ शानदार पारी खेलकर पंजाब किंग्स को लगभग हरा हुआ मैच जिता दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की गीत सोन जयपुर में आयोजित मिसेस इंडिया क्लासिक 2024 का खिताब जीत लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिले की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई की रहने वाली गीत सोन ने जयपुर में आयोजित मिसेस इंडिया क्लासिक 2024 का खिताब जीत लिया है। ये फैशन शो 16 अप्रैल को ग्लैमरनंद में आयोजित किया गया था। फाइनल राउंड में पूरे देश से 20 महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें गीत पहले नंबर पर रही। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से विशाखापट्टनम तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दुर्ग से चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से विशाखापट्टनम तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता खत्म होने के बाद जून महीने में यह सुविधा मिलेगी। यह एक सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहां से कहां तक किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, रायपुर से जबलपुर तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को जल्द ही दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रायपुर से जबलपुर के बीच चलाई जाएगी। 410 किलोमीटर तक सफर तय करने में इस ट्रेन को 5.55 घंटे का समय लगेगा। इस ट्रेन का परिचालन पश्चिम मध्य रेलवे जोन से की जाएगी। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बिलासपुर से नागपुर तक किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भोरमदेव महोत्सव 2024 की शुरुआत कब से की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 6 अप्रैल से किया गया है। 2 दिवसीय भोरमदेव महोत्सव 2024 का आयोजन 6 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 तक कबीरधाम में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित नारायण पाल का विष्णु मंदिर यह किस जिले में स्थित है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बस्तर जिले में स्थित है। वर्ष 1111 में बस्तर जिले में नारायण पाल का बनाया गया विष्णु मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए विख्यात है। नागवंशी नरेश जगदेव भूषण धारावर्ष की विष्णु भक्त रानी की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण कर मंदिर को नारायणपुर नामक एक गांव को अर्पित किया गया था। इसे आगे चलकर इसका नाम बदलकर नारायण पाल कर दिया गया। यह मंदिर केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। अब यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि 913 वर्ष पुराना जो मंदिर है वो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नक्शे में गायब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित प्रसिद्ध निरई माता मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गरियाबंद जिले में है। हाल ही में चर्चित प्रसिद्ध निरई माता मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से 12 किलोमीटर दूर सोढ़ुल पैरी नदी के तट पर बसे ग्राम पंचायत मोहेरा के अंतर्गत निरई की पहाड़ी पर विराजमान है। निरई माता की विशेषता यह है कि निरई माता मंदिर में हर साल चैत नवरात्रि के दौरान अपने आप ही ज्योति प्रज्वलित होती है। यह निरई देवी का ही चमत्कार है कि बिना तेल के ज्योति 9 दिनों तक जलती रहती है। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार सुबह 4 बजे से 9 बजे तक 5 घंटे के लिए ही खोला जाता है। निरई माता मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा पाठ की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ पुरुष ही पूजा पाठ की रीतियों को निभाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।